अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कुछ पांडालों को भी देखा, क्या निर्देश दिए? गणेश जी की प्रतिमाओं का स्थापना प्रायः अधिकतर जगह हो गई है। इस संबंध में पुलिस की एक एसओपी रहती है जो मुख्यतः गणेश जी की पंडालों की सुरक्षा के संबंध में होता है। साथ ही साथ इसमें बिजली का कनेक्शन लेना, बिजली का लोड वगैरह चेक करना और रात्रि में वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही साथ जो महिलाएँ बच्चियाँ वगैरह देखने आती हैं उनके लिहाज से भी उस जगह पर कैमरे वगैरह होना, इस सब के संबंध में सभी को ताकीद किया गया है जो आयोजक हैं। साथ ही साथ जो रूट में पड़ने वाली अन्य जगहें हैं और आगे आने वाले समय मिलादी नबी वगैरह का भी जुलूस होने वाला है, उसके लिहाज से भी एक मोटा मोटी मुआयना किया गया है और अधिकारियों से चर्चा के वांछित निर्देश दिए। सर, जैसे आप बता रहे आने वाले समय में जुलूस और जलसे आएंगे, उसको लेकर चूंकि शहर में जो लगे हुए कैमरे भी आपके दर देखे गए, क्या पाया गया इनमें, क्या चालू है बंदे? कैमरे अपने पुलिस विभाग के जो बीच में खराब थे काफ़ी ठीक हुए हैं, कुछ कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आयोजक हैं आयोजकों से भी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जुलूस और कार्यक्रमों के मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा और भी हायर चार्ज के कैमरे रूट मार्ग पर लगवाए जाएंगे ताकि जो रूट का त्यौहार वगैरह के समय रहेगी व्यवस्था उसको पुलिस मॉनिटर कर। सर, पांडालों को लेकर आपने विशेष निर्देश दिए कि कहीं जहाँ बारिश के कारण या फिर आग लगने की भी घटना हो सकती है, उसको लेकर आपने बचाव राहत करने की बात की? हाँ, एहतियात के तौर पे सभी उपाय रखने के लिए सभी को कहा गया है, जिसमें पहला तो यह है कि बिजली का वैध कनेक्शन ले और बिजली विभाग की तरफ से जो लोड वगैरह आवंटित किया गया उस हिसाब से अपने कनेक्शन रखें, वायर वगैरह सुरक्षित रखें, साथ ही साथ आपात स्थिति में आग से निपटने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था रखें, नगर निगम की गाड़ी वहाँ पर अगर कंजेस्टेड जगह नहीं वहाँ पहुँच सकती है तो उसकी व्यवस्था रखें। साथ ही साथ मूर्ति की सुरक्षा भी एक बड़ा विषय होता है, रात्रि में कई बार आयोजक दिन में रहते हैं और रात्रि को चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति आयोजक समिति का सोए, इसके संबंध में भी सबूत ताबित किया गया है। पुलिस विभाग की तरफ से एक अटेंडेंस रजिस्टर भी रखवाया गया है जिसमें लगातार अधिकारी भ्रमण करके चेक करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम से भी जो सुरक्षा के लिए तैनात लोग हैं उनको भी फोन किया जाएगा, तो 360 डिग्री व्यवस्था की जा रही है ताकि कार्यक्रम सभी ठीक ढंग से हर्षोल्लास के माहौल में। सर, आने वाला पुलिस के लिए चले चुनौती बढ़ा क्योंकि विधान होती रही और गणेश उत्सव भी चल रहा है, कुछ खास पुलिसिंग है, विशेष बल कुछ? जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक हुई है, इसके अलावा अलग अलग जो आयोजक हैं उनके साथ ही बैठक की गई है और एक उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके तहत दोनों कार्यक्रम स्मूथली करा दिए।